आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। और इस कैपेसिटर को हम लोग एकदम बेसिक टू एडवांस समझने जा रहे हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है कैपेसिटर का, हर टॉपिक में अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये 100% यकीन है कि जैसा रिप्रेजेंटेशन हम आज देने जा रहे हैं, आज तक ऐसा वीडियो यूट्यूब कंटेंट नहीं है, यूट्यूब में ऐसा कंटेंट ही नहीं है जिसमें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो कि फिजिक्स है, यही फिजिक्स है कि कैसे हो रहा है, कहां से आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैंने अपने इस कंटेंट में दिया है। होपफुली आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से, और कैपेसिटर को जानने के लिए हमको कुछ बैकग्राउंड का भी जरूरत पड़ेगा, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस पूरी ये वीडियो पूरा लंबा होने वाला, जो पढ़ने वाला है भाई पढ़े, जो निकलने वाला तेजी से निकल ले एकदम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ना है ध्यान से सुने मेरे बातों को, ध्यान से समझे, जो लिखाए हैं उसको लिखे और उसके बारे में सोचे कि क्या हम इसको समझ पाए जो लिखा हुआ है। अगर आप समझ गए तो समझिए आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है, फिर प्रॉब्लम्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या करना है। तो हम सिंपल स्टार्ट करते हैं टॉपिक वन है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है कंडक्टर का। कंडक्टर यानी अगर हम दो पेयर ऑफ कंडक्टर को अगर हम अरेंज करें तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपली क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर। बहुत आसान है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, जो कि अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर से बना है। दो कंडक्टर को हम लोग अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि दोनों के बीच में कुछ मीडियम हो और मीडियम को हम फिल कर सकते हैं, जिसको कि जनरली हम लोग डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक भी एक मटेरियल है और कंडक्टर भी एक मटेरियल है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता तो हम आगे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आज नहीं। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक पेयर ऑफ कंडक्टर है जो कि सेपरेटेड रहता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है, वो कंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। एक जैसा कंडक्टर लेंगे, अलग अलग नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो हम यहां पर दिखा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने तरह का कैपेसिटर होता है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये एक प्लेट है, सिंपल सा एक स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, और वही रेक्टेंगुलर प्लेट एक और हम ले लिए हैं। तो ये आइडेंटिकल प्लेट है, ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, और दोनों ही प्लेट आइडेंटिकल है और दोनों प्लेट को हम पैरेलली एक दूसरे के प्लेस कर दिए हैं। और इसके बीच का जो मीडियम है, जिसको कि हम ब्लैक कलर से शेड किए हैं, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बहुत सारा, जैसे कहने का मतलब क्या, ये पूरा मीडियम एयर हो सकता है, ये पूरा ब्लैक वाला मीडियम जो है एयर हो सकता है, या हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक भी भर सकते हैं। हो सकता है कि पूरा डाइलेक्ट्रिक हो, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो, डाइलेक्ट्रिक हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो, यानी यहां से यहां तक अलग डाइलेक्ट्रिक है और यहां से यहां तक अलग डाइलेक्ट्रिक है और यहां से लेके यहां तक अलग 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 डाइलेक्ट्रिक है। यानी सेम डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, या मीडियम हम एयर भी रख सकते हैं। लेकिन जब इस पैरेलल प्लेट के बीच का मीडियम एयर होता है, तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से ही पता चलता है, प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों के बीच का मीडियम डाइलेक्ट्रिक हो सकता है या एयर हो सकता है। एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल डाइलेक्ट्रिक से, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक में हम लोग जंप करेंगे। अब अगर हम दूसरा देखें तो हम क्या किए हैं, एक सेल लिए हैं, एक हॉलो सेल है और एक और हॉलो सेल ले लिए, यानी दो होलो, एक सेल के अंदर एक और ऊपर से सेल हम डाल दिए, मतलब सेल के अंदर सेल है। ये डायग्राम जो दिख रहा है आप लोग को, सेल के अंदर सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं। और यहां से हम क्या किए, इनर सेल से एक टर्मिनल बाहर निकाले हैं और एक आउटर टर्मिनल से, आउटर सरफेस से
आउटर सेल से एक टर्मिनल बाहर निकाले हैं, और जिसको कि यहां पर हम लोग फाइनली क्या करते हैं कि एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। यहां पर भी दो टर्मिनल दिखाया गया है, ये टर्मिनल वन है, ये टर्मिनल टू है, और इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखें ध्यान से, इसमें इसमें भी ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कंडक्टर है, और उसका अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है। अरेंजमेंट चूंकि स्फेरिकल हो गया है इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्फेरिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर अगर रख दे तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बन रहा है ना, और उस कैपेसिटर को अलग अलग नाम दिया गया है, और कोई बड़ा बात नहीं है। सो कैपेसिटर इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल कंडक्टर्स। व्हेन द कंडक्टर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर सच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सेड टू बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड व्हेन कंडक्टर्स आर अरेंज्ड कोसेंट्रिकली स्फेरिकली स्फेयर, देन द अरेंजमेंट इज सेड टू बी स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड व्हेन टू हॉलो सिलेंडर आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट एक्सिस, देन इट इज सेड टू बी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये बहुत आसान सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो कैपेसिटर के बारे में इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इतने सारे बात को अगर हम कंक्लूड करें तो क्या डायग्राम वाइज आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है। सो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, आइडेंटिकल कंडक्टर का अरेंजमेंट है, जिसके जिसमें हम दोनों को सेपरेट करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। आगे अगर हम बढ़े तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग जान गए कि कैपेसिटर क्या है, एक पेयर ऑफ कंडक्टर का अरेंजमेंट है, जहां पर दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट करते हैं, वहां एयर भी हो सकता है। चूंकि कैपेसिटर कंडक्टर से ही मिलके बना है इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक सॉलिड होता है जिसमें एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो पीरियोडिक फॉर्म में होता है, और एटम्स जो होता है मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ईच अदर नहीं, यहां ईच अदर को ओमिट कर दिया जाए, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी कहने का मतलब जनरली कंडक्टर जो होता है यानी मेटल जो होता है वो हमेशा मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मेटल में दो ही तरह का बॉन्ड पाया जाता है, या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है मेटल में, या तो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, और कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी मेटल दो ही तरह का, यानी कंडक्टर दो ही तरह का बॉन्ड बनाता है, या तो मेटालिक बॉन्ड हो, या तो मेटालिक बॉन्ड हो, या तो कोवलेंट बॉन्ड हो, और इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंडक्टर और द मेटल फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड। और जब हम बात करें एट 300 डिग्री केल्विन, क्योंकि जब भी हम लोग 300 डिग्री केल्विन का क्यों बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी मटेरियल को या कंडक्टर को या जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री केल्विन पे जाके किया जाए, जिसको कि एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं तो वो हम लोग -273 डिग्री पर पहले टेम्परेचर लाएंगे फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर फिजिक्स में किसको माना गया है, 300 डिग्री केल्विन को, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को। इसको बोला जाता है रूम टेम्परेचर। यानी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करते हैं तो वो 27 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, यानी 300 डिग्री केल्विन पे ही होता है। तो होता क्या है, चूंकि कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है और एटम जो है मेटालिक बॉन्ड फॉर्म के किए रहता है, लेकिन जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आता है यानी 300 डिग्री केल्विन पे आता है, ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है टूट जाता है और ये ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। और 300 डिग्री केल्विन पे ये टिपिकल वैल्यू हम बता रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किसी भी कंडक्टर में 10n से नोटेशन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को, n बराबर होता है 10^22 से लेकर 10^28 पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन 300 डिग्री केल्विन में किसी भी कंडक्टर में
10 टू द पावर 22 से लेकर 10 टू द पावर 28 तक पाया जाता है. दिस इज द टिपिकल वैल्यू विच यू शुड रिमेंबर और यू मस्ट रिमेंबर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स बिहाइंड द कैपेसिटर. सो कंडक्टर एट 300 डिग्री केल्विन हैज वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज 10 टू द पावर 22 टू 10 टू द पावर 28 पर सेंटीमीटर क्यूब. पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉट? लेट अस कंसिडर ए बॉक्स, ए क्यूबॉइड विच इज ए कंडक्टर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर वाइल द ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. If we want to find the total number of electrons in this cuboid structure having made of conductor, then the total number of electrons can be found by using this information. Means what? Per unit volume, a unit cube of conductor, this is 1 centimeter, this edge is 1 centimeter, this edge is 1 centimeter and this is also 1 centimeter. So the volume of this cube is 1 centimeter cube. And this 1 centimeter cube contains electron 10 to the power 22 electrons. This is the meaning of 10 to the power 22 to 10 to the power 28 per centimeter cube. 1 centimeter cube may 10 to the power 22 se leke 10 to the power 28 electrons hota hai. Conductor mein free electrons hota hai 300 degree Kelvin pe. तो इस बॉक्स के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर हमको निकालना है तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर अगर 22 हम मान लें इलेक्ट्रॉन्स है तो डेफिनेट सा बात है इसके वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 10 इसमें भेज दिए 23 हो गया, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस वॉल्यूम में. तो ये बात होप समझ में आ गया, या इन्फॉर्मेशन की तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर इतना लेंदी में जाने का जरूरत नहीं है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होता है 300 डिग्री केल्विन पे वो 10 टू द पावर 22 से लेके 10 टू द पावर 28 के वेरिएशन में एग्जिस्ट करता है पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हम आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर समझ में आ गया, कैपेसिटर समझ में आ गया और आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे क्या है कि आगे अगर हम लोग को कैपेसिटर को समझना है, कैपेसिटर को रियली अगर आप सोल्ली समझना चाहते हैं, हार्ट से समझना चाहते, बाय हार्ट करना चाहते हैं, एकदम विजुलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि कैपेसिटर को समझने के लिए हमको कुछ प्री रिक्विज साइट की जरूरत है. वो क्या क्या है? तो गॉस लॉ पता होना चाहिए कि भैया गॉस लॉ क्या है. यहां पर हम शॉर्ट तरीके से गॉस लॉ को समझा रहे हैं, हालांकि मैक्सिमम चीज हम यहां पर बता दिए हैं, बस ध्यान दीजिए. ये इलेक्ट्रिक, ये गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और इस इंटीग्रेशन पे सर्कल का साइन. इस सर्कल के साइन का मतलब क्या है कि ये ई डॉट डी ए, ध्यान से देखिए अंदर वाला क्या है, ई डॉट डी ए, ये ई डॉट डी ए दिखा रहा है स्मॉल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस डी ए, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, और क्लोज्ड अगर लगा दिए इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ई क्या होता है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि क्लोज्ड होता है, और क्यू इन क्या होता है, क्यू इन नेट चार्ज होता है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, और डीए क्या होता है, डीए एक स्मॉल एरिया होता है जो कि हम लोग सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस के ऊपर कंसीडर करते हैं. इस लेफ्ट हैंड साइड को कैसे पढ़ा जाता है वो हम लिखे हैं यहां पर, या तो आप इसको पढ़ सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, या आप इसको बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा मैंने क्यों लिखा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब जब आगे बढ़ेंगे अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो उस केस में आपको ये नहीं लिखा हुआ रहेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, वहां लिखा हुआ रहेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसीलिए इंटीग्रल हो गया। कहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं भैया? सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और किसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हो गया नाम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज पे, कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। कहने का मतलब चार्ज पॉइंट चार्ज है, चार्ज लाइन चार्ज है, चार्ज स्फेरिकल चार्ज है, चार्ज सीट चार्ज है ना। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। सब पे प्लस प्लस चार्ज दे दिया, इस पे भी प्लस प्लस चार्ज दे दिया, इस पे भी प्लस प्लस चार्ज दे दिया, ये लाइन चार्ज है इस पे भी प्लस चार्ज दे दिया, ये पॉइंट चार्ज है इस पे भी प्लस चार्ज दे दिए। तो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज पे। और अगर इन एक स्टेटमेंट हम बताना चाहें कि गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या है कि गॉसियन सरफेस इज सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस। यानी सरफेस आपको इस तरह से लेना है, क्लोज सरफेस जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिएगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो या तो सरफेस के पैरेलल हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जीएस को ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस को अगर ड्रॉ करना है, तो आपको पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होना चाहिए किसी भी चार्ज के अराउंड। किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण अगर हम पैटर्न बताना चाहें, तो फील्ड लाइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। तो ये इस तरह का पैटर्न होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण। अगर एक हम लाइन चार्ज के कारण बात करें, तो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो होता है इस तरह से। ये हम प्लेन पे बना रहे हैं, कॉपी पे बना रहे हैं, इसीलिए ऐसा बन रहा है। लेकिन ये चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, इसी को अगर आप 360 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आपको वो डायग्राम दिखेगा। तो वो डायग्राम दिखाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करा दें। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर भी है, प्लस टॉप व्यू देखिएगा, और इधर से भी, और इधर से भी, और इधर भी जा रहा है, और इधर भी जा रहा है। तो होप टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, चारों तरफ जा रहा है इस तरह से, है ना, हर डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है। और अगर एक स्फेरिकल चार्ज का बात करें तो इसका पैटर्न भी ऐसा होता है। यानी कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है कि पैटर्न कैसा होता है, तो पता होना चाहिए। और नहीं है पता तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसको पढ़ना, इसको कवर कीजिए। मेरा कहने का मतलब, इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। साफ बात, हम तो बता दिए कि ऐसा होता है। आपको अगर कोई दिक्कत है, आप इस पर काम कीजिए, और बिना काम किए, बिना मेहनत किए नहीं आता है। और कहा भी क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे करे निशान। मतलब अभ्यास करने से कठिन कार्य सरल हो सकता है। जिस तरह से रस्सी सील पे अगर आता जाता है बराबर, तो उस पे निशान छोड़ देता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब थ्री का बी वाला पार्ट क्या है कि गॉस लॉ से, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन भी है। वो एप्लीकेशन, गॉस लॉ का बहुत सारा एस्पेक्ट है जो कि हम यहाँ बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हैं। हम बस गॉस लॉ का एक्सप्रेशन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर और भी एस्पेक्ट है जो कि हम यहाँ डील नहीं कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट है जो कि हम डील कर रहे हैं, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जा सकता है गॉस लॉ के हेल्प से। अब कैसे किया जा सकता है गॉस लॉ के हेल्प से, वो हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ फॉर ए लॉन्ग थिन चार्ज सीट। एक थिन चार्ज सीट है, इस तरह का थिन चार्ज, ये सीट है, ये सीट है, इसमें पूरा चार्ज है और ये बहुत थिन है, बहुत थिन है, बहुत थिन है, ये है ना, ये बहुत थिन है, ये थिन चार्ज सीट है। तो एक में हम क्या लिखे हैं, प्लस सिग्मा चार्ज, प्लस सिग्मा कुलम पर मीटर स्क्वायर, एक में माइनस सिग्मा कुलम पर मीटर। कहने का मतलब क्या है, ये सीट चार्ज है, मतलब टू डायमेंशनल है, मतलब इसमें एरिया है,
क्या है, इसमें एरिया है, यानी यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एरिया पे होगा। इसीलिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया जाता है जिसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने मान लिया है या गिवन है हम लोग को कि इस पे, इस वाले सीट पे जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और इस वाले सीट पर जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, ये एक सीट चार्ज है जो कि कंडक्टर है, और कंडक्टर एटम से मिलके बनता है, और एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कहने का मतलब एटम न्यूट्रल होता है, और चूंकि कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिलके ही बना है, इसका मतलब एटम भी क्या होगा, मतलब कंडक्टर भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन 300 डिग्री केल्विन पे एटम जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, वो हम आगे दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो छोड़ दिया तो वो इसी कंडक्टर के अंदर बाहर नहीं गया। इसका कहने का मतलब है कि ये भी क्या है, अभी न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव आयन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। जितना पॉजिटिव आयन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कुल मिला के ये कंडक्टर न्यूट्रल है। तो हम कहना चाहते हैं ये प्लस चार्ज इसमें कैसे क्रिएट हो गया, तो प्लस चार्ज क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे इससे बाहर निकालना चालू कर देंगे तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, फाइनली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब पॉजिटिव आयन उतना ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया है, यानी अब न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो सकेगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर हमको निगेटिव चार्ज करना है तो हमको एक्सटर्नली इस सरफेस पे, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण पॉजिटिव आयन्स का संख्या तो वही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी नंबर बढ़ जाएगा, तो फाइनली वो कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये होपफुली ये बात आप लोग को समझ में आ गया हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए हम नेक्स्ट पैटर्न को भी बताएं। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को ले तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट करता है, और कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग को पता चलता है कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से, ठीक है। और अगर आपको ये बात नहीं पता फिर से हम वही बोलेंगे, इस पे काम करने का जरूरत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रॉपर्टीज, कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। इफ यू डोंट नो, वर्क ऑन इट। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप इस पे काम कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसका जवाब नहीं देंगे कि ऐसा क्यों होता है। वाई का जवाब हम नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ाना चाहते हैं, और कैपेसिटर के रिक्वायरमेंट के लिए जो जो जरूरी है वो हम सब बता रहे हैं यहाँ पर। तो वाई यहाँ पर जानना जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वाई का काम नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर वाई के बारे में नहीं बता रहे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में मिलेगा, कि फील्ड लाइन क्यों सरफेस ऑफ कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। खैर हम इसका जवाब भी दे देते हैं क्यों होता है। जवाब ये है कि कंडक्टर का सरफेस जो होता है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का जो सरफेस होता है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान ले हम एक कंडक्टर लें, ये कंडक्टर अगर ले मान लेते, ये कोई इररेगुलर शेप ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, ये सॉलिड कंडक्टर है। इसके सरफेस को देखें, ये जो सरफेस है इसका, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और सेम होने के कारण ही फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके सरफेस पे हर जगह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, अब हम इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम एक वन लाइन स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि फील्ड लाइन क्यों सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, कोई एंगल बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देगा और वहाँ करंट एग्जिस्ट करने लगेगा, और करंट एग्जिस्ट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर कहता है कि सरफेस जो होता है कंडक्टर का इक्विपोटेंशियल होता है, और दूसरे तरफ अगर हम फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना करके इंक्लाइंड कर दें तो ये कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कंपोनेंट आएगा पैरेलल जो होगा सरफेस के, वो वाला उसको उसमें क्या जनरेट कर देगा,
करंट जनरेट कर देगा। तो करंट जो एग्जिस्ट करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो गया। इसीलिए कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम यही बात बोलेंगे कि आपको काम करने का जरूरत है। बस हम ये केवल दिखाना चाहते थे कि फील्ड पैटर्न कैसा होता है। फील्ड पैटर्न यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। क्यों परपेंडिकुलर होता है? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है और इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ओरिजिनेट ही क्यों कर रहा है, दोनों तरफ ओरिजिनेट ही क्यों कर रहा है? तो इसको अगर हम सीट माने, ध्यान से देखा जाए, इसको अगर हम सीट माने, ये एक सीट है, इसको हम इस तरह से कर दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, इससे जो फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है, परपेंडिकुलरली, एकदम इस तरह से परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में, इस तरह से परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम बता दिए। वो पता चलता है कहां से? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलता है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट करता है कहां, निगेटिव चार्ज पे या इन्फिनिटी पे। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है और कहां टर्मिनेट करेगा, इन्फिनिटी से, और यहां पर निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा, तो आ कहां से रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग को क्या कर रहा है, ये सीट चार्ज हम ले चुके हैं, इसमें हम चार्ज जनरेट कर चुके हैं, मान लिए हैं कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना। तो हम क्या किए हैं, इसमें बोले हैं कि अब हमको सिलेक्शन करना है गॉसियन सरफेस का, जिसके लिए हम प्रीवियस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब, हम पहले बता चुके हैं कि गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि गॉसियन सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो ध्यान से देखिए, ये फील्ड लाइंस इस तरह से ओरिजिनेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहां पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए हैं जिसको सिमेट्रिकली इसके अक्रॉस प्लेस्ड किए। सिमेट्रिकली कहने का मतलब क्या, इस सीट चार्ज से जितना दूरी इस एंड का है उतना ही दूरी इस एंड का, एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड किए हैं, एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड किए हैं। और ये जो गॉसियन सरफेस है चारों तरफ से क्लोज्ड है, इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से हम ये गॉसियन सरफेस लिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये दिख रहा है, ये इस तरह से, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस तरह का गॉसियन सरफेस हम लिए हैं, ठीक है। और ये एकदम सीट चार्ज के एकदम सिमेट्रिकली इस तरह से हम प्लेस कर, ये सीट चार्ज है इसके सिमेट्रिकली एकदम प्लेस्ड कर दिए हैं। तो ये वाला जो सरफेस है हम थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, तब फिर आप लोग को बता रहे हैं। तो ये वो सिलेंडर है, ठीक है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम मान लिए हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए है। और यहाँ पर एकदम सिमेट्रिकल, एकदम मिडिल पोजीशन पे यहाँ पे सीट चार्ज है, ठीक है, और सिमेट्रिकली हम इस सिलेंडर को प्लेस कर दिए। यहाँ से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पोजिशन से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, अब हम गॉसियन सरफेस ले चुके हैं तो अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। और ये जो फील्ड लाइन जनरेट किया है, यहाँ से फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसको फ्लैट सरफेस बोल रहे हैं, और ये भी फ्लैट सरफेस है, इसको भी फ्लैट सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो हम बता क्या रहे थे कि पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग एक गॉसियन सरफेस लिए हैं जिसको एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड किए हैं इस चार सीट के रिस्पेक्ट में। ये जो है डेल्टा ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, और ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये कर्व्ड सरफेस है। और इस कर्व्ड सरफेस पे फील्ड लाइन क्या होता है, पैरेलल है, यानी टेंजेंशियल है। और ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है और ये वाला जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, इस पे फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है।
अब कैसे है वो हम ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को भी देखना है और इस डायग्राम को भी देखना है, बाकी हम यहाँ समझा रहे हैं। जैसे ये हम सिलेंडर ले लिए, ठीक है, ये हम एक सिलेंडर ले लिए, ठीक, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि कैसे ये परपेंडिकुलर है। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, देखिए ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक सिलेंडर, ये डेल्टा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका, और ये भी डेल्टा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और ये सिलेंडर है, और मान रहे हैं कि सीट चार्ज जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, चलिए सीट चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से, यानी कहने का मतलब इसके एकदम बीचों बीच पार करके हम यहाँ पर ले आए हैं सीट चार्ज। तो यहाँ पर अपना सीट चार्ज है, यहाँ पे सीट चार्ज है, एकदम सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इस फील्ड लाइन को, ये जो फील्ड लाइन सीट चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, और जो हम सिलेंडर लिए हैं वो सीट चार्ज पे, वो जो फील्ड लाइंस है वो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस पे, ये कर्व सरफेस पे हर जगह क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है। लेकिन इस सरफेस को अगर देखा जाए तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा, मतलब इसको क्रॉस कर रहा परपेंडिकुलरली, जैसा यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर दिख रहा है, देखिए ये वाला जो फील्ड लाइंस जो ब्लू वाला दिखाया गया है वो इस सरफेस के, ये जो ब्लू वाला है और ये ब्लैक वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया, ये एकदम टेंजेंशियल है। लेकिन इस सरफेस को अगर फ्लैट सरफेस में देखो तो ये ब्लैक वाला जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ये इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो यही बस हम बताना चाहते थे कि ये फील्ड लाइन्स जो है वो ये इस कर्व सरफेस को टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा है, यानी इसके पैरेलल है, और ये जो फ्लैट सरफेस ये वाला है और ये जो फ्लैट सरफेस ये वाला है, इस दोनों फ्लैट सरफेस से फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ओरिजिनेट दोनों तरफ जा रहा है, यूं सेपरेट हो रहा है दोनों तरफ, इधर फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इधर से फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है तो भी डेल्टा ए को क्रॉस कर रहा है, इधर से भी जा रहा है तो भी डेल्टा ए को क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलरली। लेकिन जो कर्व सरफेस है, जो कि कर्व सरफेस है, यूं ये जो कर्व सरफेस है इसके हमेशा क्या है, टेंजेंशियल है, चाहे वो इधर जा रहा हो या इधर जा रहा हो, हमेशा टेंजेंशियल है। तो अब हमको क्या करना होगा, फ्लक्स गॉस लॉ का कैलकुलेशन करना होगा। तो गॉस लॉ का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसमें से LHS वाला पार्ट हम ले लिए। अब ध्यान से देखिए LHS वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस है, हम डायग्राम दिखाएंगे। ये देखिए ये क्लोज सरफेस है, ये पूरा एक क्लोज सरफेस है, ये पूरा क्लोज सरफेस है। अब इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम अलग अलग करके भी तो निकाल सकते हैं कि इस फ्लैट सरफेस के कारण अलग निकाले, इस वाले फ्लैट सरफेस के कारण अलग निकाले, और ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, ये जो पूरा कर्व सरफेस दिख रहा है इसके कारण अलग निकाले, और सबको क्या कर दें, जोड़ दें। क्यों ऐसा कर पाएंगे हम लोग, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं या क्यों कर सकेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा स्केलर सम को फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी है ये, और स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा स्केलर सम को फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो हम क्या किए हैं कि इस वाले सरफेस को फ्लैट सरफेस बोल दिए 1, और इस वाले सरफेस को फ्लैट सरफेस 2 बोल दिया है, और ये पूरा कर्व सरफेस है, ठीक है, और ये पूरा कर्व सरफेस है। देखिए ये है फ्लैट सरफेस FS, इसको 1 बोल देते हैं, और ये FS2, फ्लैट सरफेस 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फ्लैट सरफेस 2 हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फ्लैट सरफेस 1 हो गया। अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम पहला वाला फ्लैट सरफेस ले लिए हैं FS1 यानी जो इस साइड इस एंड में था, और इससे फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस कर रहा था, वो हम दिखाए हैं रेड कलर से इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रहा है। तो इस पूरे सरफेस के लिए अगर हम देखें तो ये सरफेस तो यहां पर इस तरह से है वर्टिकली है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो हम ई एज्यूम कर लिए हैं। एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमेशा क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं कर सकते क्योंकि अंदर इधर सिलेंडर है भाई, इधर अंदर सिलेंडर है। अभी हम केवल इस वाले फ्लैट सरफेस को दिखाए हैं, इस वाले फ्लैट सरफेस से कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग सिंपली लिखते हैं ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। तो ई डॉट डी ए को लिखेंगे ई डी ए कॉस जीरो,
कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो ईडीए हो जाएगा। उसी तरह से फ्लैट सरफेस टू के लिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डीए का डायरेक्शन इधर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ईडीए। अब इस फ्लैट सरफेस को, कर्व सरफेस को देखा जाए, ये जो कर्व सरफेस है उसको देखना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो ये तुम्हारा, ये क्या है अपना कर्व सरफेस है, ठीक। ये एक कर्व सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कैसे, वो ध्यान से देखो, हम क्या किए हैं, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिए हैं। क्यों छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिए हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल है इस सरफेस से, कर्व सरफेस के हमेशा टेंजेंशियल है। तो एक छोटा सा सरफेस अगर हम लें और इसके थ्रू फ्लक्स निकालने की कोशिश करें, तो इस सरफेस पे टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है क्लोज सरफेस के लिए, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसीलिए इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर अगर हम कोई सरफेस लें, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लें, तो उसका एरिया वेक्टर को इधर आएगा, इधर आएगा, इधर बाहर की तरफ, यू बाहर की तरफ, और ये ऐसे है, यानी दोनों के बीच एंगल क्या बन जाएगा, दोनों के बीच जो एंगल है ये बाहर की तरफ आएगा, जो डायग्राम में हम तो कॉपी में इसी तरह दिखा सकते हैं डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो ध्यान से, इस तरह से ये कर्व सरफेस है। अगर छोटा सा सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो टोटल सरफेस के लिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं, ई डॉट डी ए का ही वैल्यू क्या है, जीरो है। छोटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही वैल्यू क्या है, जीरो है। तो बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो जीरो ही होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा सरफेस हम हर जगह लेंगे, ऐसा ऐसा सरफेस हम हर जगह लेंगे, और हर जगह लेके यही वाला कैलकुलेट करेंगे, और सब जीरो ही आएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो जीरो ही तो आएगा। तो होप ये समझ में आ गया। तो अगर हम, यानी मेरा कहने का मतलब, LHS का वैल्यू क्या आ गया, LHS का वैल्यू आ गया ई डॉट डी ए बराबर आ गया क्या, 2EDA। क्यों? क्योंकि ये था फ्लक्स, फ्लैट सरफेस 1, कर्व सरफेस प्लस फ्लैट सरफेस 2। तो FS1 का वैल्यू क्या आया, ई डॉट डी ए। FS2 का वैल्यू भी क्या आया, FS2 का वैल्यू भी ई डॉट डी ए आया। यानी टोटल क्या हो गया, EDA प्लस EDA कितना हो गया, 2EDA। और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या आया है, जीरो आया है। अब और क्यू इन का वैल्यू इस डायग्राम से हम लोग को पता चलेगा। ध्यान से देखिए, क्यू इन कैसे निकालेंगे, हमको दिया हुआ है कि इस वाले सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। मतलब क्या है, मतलब है कि एक मीटर स्क्वायर पे कितना कूलम चार्ज है, तो सिग्मा कूलम चार्ज है। अगर इस वाले शेडेड रीजन को हम बैंगल के तरह समझे, बैंगल के तरह समझो कि उसका सरकमफेरेंस है, उसको हम स्लाइड करें, तो ये जो हम डॉटेड स्ट्रक्चर जैसा बनाए हैं, शेडेड स्ट्रक्चर जैसा बनाए, क्या यहाँ पर ही आके ओवरलैप करेगा, इतना ही एरिया को कवर कर पाएगा क्या बैंगल का ये वाला कवर? हाँ, इसको स्लाइड किए इधर से आके। और अगर इधर भी अगर हम इसी शेप का बैंगल मान लें, और इसको हम स्लाइड करें और इस एंड पे लाए, तब भी ये करेगा यहाँ पर ही। अब चूंकि ये थीन है, बहुत थीन है, इसीलिए ये जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है और ये वाला जो सरफेस एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है, दोनों क्या कर जा रहा है, कॉन्साइड कर जाता है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब, इतना ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया डी ए, चलिए डी ए लिख दिए, डी ए। तो एक मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज, तो डी ए एरिया में कितना, सिग्मा इंटू डी ए कूलम, है ना। तो क्यूइन भी पता चल गया, तो हम लिख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू वन में, इक्वेशन वन जो हम माने हैं, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसका वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो फ्लक्स को समझने के लिए ये वाला बात पता होना चाहिए था कि कैसे ये कितना होता है और डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका यूज होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज सीट है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज
सीट, और ये मैग्नीट्यूड दे रहा है जो कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब अगर हम एक थिन चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर ड्रॉ करें, सीट से डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस, सीट से डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करें, तो वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। और ये वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, ये टू एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ भी टू एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ भी टू एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हर जगह, चाहे हम ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, चाहे हम यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, कहीं भी पूछे, इस सीट चार्ज के आजू बाजू कहीं पर भी पूछे फील्ड हम, तो वह वैल्यू उतना ही होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। लेकिन डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है निकालने के लिए, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमको फोर्स का डायरेक्शन देखना है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा, यानी मैग्नीट्यूड हो गया इस पॉइंट पे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन हो गया ये। एक दूसरा भी समझ लीजिए, ये मान लीजिए आप निगेटिव थिन चार्ज सीट है, तो मैग्नीट्यूड वही होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, और देखेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इस सीट चार्ज के कारण। तो ये सीट चार्ज क्या करेगा, इस प्लस वन चार्ज को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन भी किधर हो गया, इधर हो गया। तो ये समझ में आ गया, तो ये खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वाला थर्ड नंबर में जा रहे हैं, तो वन और टू कवर हो गया है, और थर्ड में जा रहे हैं, और थर्ड में जा रहे हैं, और अब इन कर रहे हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही धांसू है ये कंसेप्ट, और बहुत मजा आएगा इसमें। तो ध्यान से देखिए, हमें डायग्राम बनाया, शानदार डायग्राम। ये टॉपिक है एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, इसके पहले हम तो बता चुके हैं कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर अरेंजमेंट है दो आइडेंटिकल कंडक्टर का। सिंपल, जब ये पैरेलली प्लेस किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मीडियम अभी हम क्या रखे हैं, एयर, मतलब यहां पर क्या है, एयर है। यहां पर मीडियम क्या है, एयर है, ये क्या है, मीडियम है। अब पेज नंबर वन में जाते हैं, देखो ध्यान से, पेज नंबर वन, यही वो डायग्राम है। ये ब्लू वाला प्लेट है, ये प्लेट टू है, ये प्लेट वन है, और इस दोनों के बीच का जो मतलब सेपरेशन जो है उसको हम लोग किसी मीडियम से फिल करते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायलेक्ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दो टर्मिनल भी बनाए थे, ये इस वाले कंडक्टर से एक लीड निकाला जाता है, इसको टर्मिनल बुलाया जाता है, और एक लीड इधर से निकाला था, इसको टर्मिनल बुलाया जाता है। हम बोले थे ना कि इस टर्मिनल के क्रॉस हम क्या करते हैं, कनेक्शन। यानी जब हम लोग मार्केट जाते हैं ना, जब हम लोग मार्केट जाते हैं और कैपेसिटर मांगते हैं, तो कैपेसिटर हमको इसी तरह से मिलता है, और उसमें दो टर्मिनल होता है, और वो दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम लोग कनेक्शन करते हैं। इसी कैपेसिटर को क्या बोला जाता है, कंडेंसर बोला जाता है, इसी को कैपेसिटर बोला जाता है, इसी को कंडेंसर बोला जाता है। यही कंडेंसर होता है, फैन में जो कंडेंसर लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर में भी दो कनेक्शन होता है ना, तो यही कैपेसिटर है। अब देखेंगे कि इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, हालांकि हम लोग बैटरी में तो कनेक्ट नहीं करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग फैन के अंदर कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी करंट जाता ही है, इसीलिए अब ध्यान से देखें क्या हुआ। अब ध्यान से देखो, यही था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एक टर्मिनल यहाँ था, एक टर्मिनल यहाँ था, और ये कंडक्टर था, और कंडक्टर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जो कि इसमें भी है। तो ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर तो आया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हम बोले थे कि मेटालिक बॉन्ड के बारे में आगे बताएं, तो इस वाले आयन को अगर हम इस तरह से बना के दिखाएं, ध्यान से देखिए, दो आयन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, दो आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल डायग्राम बनाए हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, बस हम विजुलाइजेशन के लिए ऐसा बनाए हैं। दो आयन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, दो आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन, दो आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और ये भी क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो ये दोनों आयन एक दूसरे से बंधा रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना।
यही क्या है, मेटालिक बॉन्ड है, यही क्या है, मेटालिक बॉन्ड है, ये बंधा रहता है, ये फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, कभी इलेक्ट्रॉन मूव और इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर मूव करता रहता है जिधर बनती इधर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, कभी क्या होता है इसके क्लोज चला जाता है इसका फोर्स ज्यादा होता है, कभी ये इसके क्लोज चला जाता है तो इसके कारण फोर्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कंडक्टर, ये प्लेट बी हम लिखे हैं, इस प्लेट को बी बोले हैं और इस प्लेट को ए बोले हैं। प्लेट ए कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लेट बी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, इस ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इसके क्रॉस क्या कर दिए हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं, ये पूरा बैटरी है। तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी ये चीज समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आज कैपेसिटर। आज से पहले आप लोग ये कभी ना यूट्यूब के किसी भी सेशन में आप लोग को ये कंटेंट नहीं मिलेगा, नहीं है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, ये कनेक्ट कर दिए बैटरी कनेक्ट, तो बैटरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये छोटा वाला टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये छोटा वाला टर्मिनल निगेटिव क्यों है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सा बात है कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि मूव तो केवल इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव आयन सॉलिड के अंदर कभी मूव नहीं करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन और दो पॉजिटिव अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इस अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहता है, हमेशा हमेशा इसके पास टेंडेंसी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहता है। अब दो चार्ज अगर सेपरेटेड है, इसका मतलब है कि ये इसमें फोर्स लगा रहा है, ये इसको, ये वाला पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास कुछ एनर्जी पोजेस करके रखा है, जिसको कि क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए हमको कोई पुल कर रहा है, इस पेन को हम इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, लेकिन ये इस डायरेक्शन में पुल अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो इसमें काम कर रहा है, और वो जो एक्सटर्नल सोर्स इसमें काम कर रहा है उसके द्वारा किया गया काम इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया, जो कि इसको आगे नहीं जाने दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का चाहत है कि ये हमेशा इसके पास जाना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बैटरी के बीच में जो गैपवा दिख रहा है ना, ये गैपवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैप जो होता है ऐसे मटेरियल से भरा हुआ रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन के सपोर्ट को फ्लो नहीं करता है, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। ये बात समझ में आ गया कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल का बात समझ में आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, और इलेक्ट्रॉन का हमेशा टेंडेंसी होता है कि वो अपने एनर्जी को रिड्यूस करना चाहता है, कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी तब पड़ता है जब एनर्जी घटता है। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, एंड हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, सो टू गेन द स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो गैप है, इसमें एक ऐसा मटेरियल भरा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है। तो अब ध्यान से समझना, अब हुआ क्या कि जैसे हम टर्मिनल, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस बैटरियां कनेक्ट किए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा पाथ मिल जाता है, एक नया पाथ मिल जाता है इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचना चाहता है, अपना पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस पॉजिटिव आयन से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जा सकता। जैसे हम कनेक्ट किए इसको प्लेट से, इसको एक माध्यम मिल जाता है, एक दूसरा पाथ मिल जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देता है। तो ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस प्लेट के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे इस प्लेट के पास पहुंचता है, इससे आगे ये नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि यहां पर मीडियम जो है एयर है, और एयर का, या आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक डायलेक्ट्रिक है, एयर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पर क्या है, डायलैक्ट्रिक है, यानी एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन आके रुक गया। ठीक है, अब ध्यान से देखा, यहाँ पर ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था शुरू में, यानी अगर हम इसको कैपेसिटर बोल रहे हैं तो ये एक सिस्टम है, पेयर ऑफ कंडक्टर को कैपेसिटर बोला जाता है, यानी कहने का मतलब ये एक सिस्टम है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज को ना तो जनरेट किया जा सकता है, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज को केवल एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। तो ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। क्यों निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, इसमें जितना पॉजिटिव आयन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये बैटरिया क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन वहां सप्लाई किया इसको, और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई तो इसलिए किया था, तो वो सोचा था कि हम इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के हम यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहीं पर आके रुक गया, क्योंकि ये मीडियम उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ता गया जिसके कारण ये फाइनली क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये पूरा सिस्टम न्यूट्रल था, अब ये पूरा सिस्टम अगर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार से। तो फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी क्या करता है, यानी बैटरी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बैटरी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या होता है, वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो चूंकि ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, और यहां पर तो कुछ अभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, अभी यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ नहीं है, तो जितना यहां निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहां पर भी उतना अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे तो ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट वैलिड हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड हो जाएगा। तब फिर ये क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इस वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करता है। कितना इलेक्ट्रॉन खींचता है, जितना इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट किया था उतना इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये काम चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है इसका पोटेंशियल हो जाता है वी माइनस, जो कि धीरे 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 बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता जाता है, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और इस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल वी प्लस। ये भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट हुआ उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल यहां से खींच लिया, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। फिर जितना इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट हुआ फिर उतना इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लिया, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल भी धीरे 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 बढ़ता है। जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल का डिफरेंस सप्लाइड बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और तब कहा जाता है कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। तो ये चार्ज हो गया कैपेसिटर। अब अभ्यास बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर कर रहा है, तो अभ्यास बात है करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अब ये वाला बात है कि सर यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन चला बीच में, तो ये चीज हम समझाएंगे, ये बहुत कंसेप्चुअल है। इसको वायर में जो करंट फ्लो करता है, यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को बोला जाता है कंडक्शन करंट। और जो करंट यहां इस मीडियम में जो फ्लो कर रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है ना, क्योंकि यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है वो चेंज इन फ्लक्स के कारण एग्जिस्ट करता है। अगर ये बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि कैसे होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि जैसे हम यहाँ पॉजिटिव, आप देखो ध्यान से हो क्या रहा है, वो समझा ही देते हैं। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन करंट है, जिसको हम लोग आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये एक निगेटिव चार्ज हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इस रीजन में। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, तो ये फील्ड लाइन जनरेट हो गया। तो हम नया डायग्राम बना के दिखाते हैं, इसी में घिचमिच नहीं करते, ध्यान से देखते। तो फिर हम समझा ही देते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये एक प्लेट है, ठीक, एक और प्लेट, ठीक है। शुरू में ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक निगेटिव चार्ज हो गया। आप एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो एक प्रोटो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी खींचेगा, खींच लिया प्लस। आप देखें ध्यान से, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो गया ना दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। ये एक थिन चार्ज शीट हो गया और ये भी एक थिन चार्ज शीट हो गया जो कि निगेटिव है ना। अब ध्यान से देखते जाना,
हम क्या बोल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक और यहाँ भी जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे जैसे चार्ज डिपोजिशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है, ठीक है। और देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, अचानक जाके इतना नहीं हुआ, धीरे धीरे ऐसे हुआ, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर ये पाँच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, तो फ्लक्स जानते हैं हम लोग, फ्लक्स क्या होता है, फाई ई क्या होता है, फाई ई होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब अगर फील्ड अगर चेंज कर रहा है तो डेफिनेट सा बात है फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है समय के साथ, यानी जैसे जैसे बैटरी अपने इलेक्ट्रॉन को, बैटरी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को इस पर डिपोजिट करते जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, जो कि इस प्लेट से ओरिजिनेट होके इस प्लेट पे टर्मिनेट हो रहा है। और अगर ये यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल अगर एरिया हम मान लें ए, तो इस वाले एरिया के थ्रू फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फील्ड अगर चेंज होगा तो भैया इस फॉर्मूला के अनुसार फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो एक करंट को जनरेट करता है, जिसको कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला, इसका मतलब करंट यहां से यहां आया, लेकिन ये करंट जो होता है ये चूंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण है और वायर में है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर जो करंट हुआ, क्योंकि करंट डिस्कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता है, ये करंट फिर यहां से यहां आया आईसी, और यहां पर कौन सा करंट जनरेट हुआ, यहां पर सॉरी ये करंट यहां से यहां गया आईसी पॉजिटिव से, और यहां कौन सा कौन करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जनरेट होता है। तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज बढ़ेगा वैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट भी बढ़ेगा। और ये आईसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आईसी का वैल्यू आईडी के बराबर होता है, और इधर भी क्या है आईसी है, तो लॉ ऑफ जंक्शन भी फॉलो हो गया, आईसी इज इक्वल टू आईडी इस जंक्शन पे, और इस जंक्शन पे भी आईसी इज इक्वल टू आईडी हो गया। तो आई होप समझ में आ गया हो कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है, वो चेंज इन फ्लक्स के कारण होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण होता है। तो ये होप समझ में आ गया होगा। तो फाइनली क्या हुआ वो हम समझा दिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि फाइनली ऐसा होता होता है ये पहुंच गया वी माइनस पोटेंशियल पे और ये वी प्लस पोटेंशियल पे। अब इस प्लेट पे मान लिए माइनस क्यू चार्ज, और इस वाले प्लेट पे मान लिए, तो इस प्लेट पे आ गया माइनस क्यू और इस प्लेट पे आ गया प्लस क्यू, दोनों पे सेम चार्ज क्यों माने, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल था बाद में भी न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रलिटी को लॉ को फॉलो तो करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो तो करना चाहिए, हाँ? एक चार्ज कहां से क्रिएट हो जाएगा जब चार्ज क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इस पे माइनस क्यू चार्ज माने और इस पे प्लस क्यू चार्ज मान लिए, इसका पोटेंशियल बी प्लस माने, इसका पोटेंशियल बी माइनस माने, बी प्लस और बी माइनस के बीच में क्या हुआ डिफरेंस, बी के बराबर इसके बराबर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो गया, वो इस तरह से, इसको बोला जाता कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर फील्ड जीरो है लेकिन अंदर में फील्ड है दोनों प्लेट के बीच। और इसके पहले जो हम बताए थे कि ये वाला प्लेट थिन चार्ज शीट है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पे रखें और एक निगेटिव प्लेट है इस पे, इसके कारण क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इसके कारण ये अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये ए के कारण लिखे हैं और ये ब्लू वाला बी के कारण है, यानी ये वाला प्लेट बी के कारण, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोले तो कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बात सेम ही होता था, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट है ना, जितना प्लेट इस वाले का एरिया लेंगे उतना ही प्लेट इस वाले का भी एरिया उतना ही लेंगे, है ना। आप देखो ध्यान से, दोनों के बीच में एक ही रिलेशन आ गया, ये वाला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बी प्लस बी माइनस बराबर क्या है बी, और बी बराबर क्या होता है ईडी, नहीं ये पता तो हम यहाँ बता दिए, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर,
dr होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये रिलेशन होता है dv = -E·dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम इसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और हम इसी डायरेक्शन में अगर जाएंगे, तो ध्यान से देखो क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी प्लस है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी माइनस है। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे, फाइनली अगर हम लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस से माइनस तक, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, वी बराबर ईडी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है हम डी मान लिए हैं। तो ये रिलेशन से अगर आप लोग को निकाल लेने आता है तो इसमें आप काम कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको इंटीग्रेशन जब हम प्लस से माइनस की तरफ कर देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये वाला रिजल्ट जो है वो बी बराबर ईडी में बदल जाता है। या फाइनली आप इस रिजल्ट को याद रखिए कि जब भी फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ऐसा रिलेशन होता है, बी बराबर ईडी। तो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हम निकाले थे यहाँ से पुट कर दिए, और सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया है, वो भी पुट कर दिए। तो फाइनली पोटेंशियल क्या आ गया, वी बराबर क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आ गया है कि कैपेसिटेंस डिफाइन किया जाए। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बोला जाता है, कभी कभी बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज, लेकिन हम ऐसा डेफिनेशन तो नहीं बताए। हमने डेफिनेशन बताया क्या कि भैया कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर, सिंपली हम यही बताए, ठीक है, सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर। लेकिन ये डेफिनेशन भी होता है और अब हम बताएंगे ये डेफिनेशन। ध्यान से देखो, इसके पहले इस पे अगर पॉजिटिव प्लेट पे देखें इंडिविजुअली तो पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब प्लस चार्ज आ गया है, और इस पे अगर देखें तो पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब माइनस चार्ज आ गया है ना। यानी कहने का मतलब, ये कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट जो है बी और कंडक्टिंग प्लेट जो ए है, ये चार्ज को क्या किया, स्टोर किया। इसीलिए कैपेसिटर को बोला जाता है कि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, है ना। तो इस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के कारण इसमें एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस, जिसको कि डिफाइन किया जाता है क्यू अपॉन बी से, है ना, क्यू अपॉन बी से। बी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और क्यू जो है चार्ज है। तो सी बराबर हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। यानी कहने का मतलब, कहाँ पहुंच गया, ये तीसरा है और लास्ट, और ये हम लोग लास्ट पेज पे जा रहे हैं, वो लास्ट पेज पे हैं। यानी C बराबर क्या आ गया, यानी C बराबर आ गया क्यू बाई बी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन टू डी। यानी C जो है Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, बट किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे, मीडियम ऑफ द प्लेट पे। इसको हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी, कैपेसिटेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, वन फेराड क्या होता है, वन कूलम बाय वन वोल्ट होता है। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस क्या है, कि कैपेसिटेंस का मतलब है कि एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाया जाए, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक यूनिट से बढ़ाया जाए तो कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। फेराड जो होता है वो लार्जर यूनिट होता है, इसीलिए हम लोग माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड या मिली फेराड का इस्तेमाल करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब है कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, है ना, और टोटल चार्ज अगर पूछा जाए तो वो जीरो होता है। लेकिन अगर हमको चार्ज पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, सी बराबर क्यू आई बी। अब इससे तीन फार्मूला निकलेगा, एक फार्मूला ये खुद हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चार्ज बोलेगा तो सी बी कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो क्यू बाई सी कर देंगे। और कैपेसिटर को पैरेलली कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखो, ऐसे ये सिंबल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिखाने का, ये सर्किट सिंबल है, दिस इज सर्किट सिंबल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, हम किसी भी प्लेट को पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी भी प्लेट को निगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। ये जो भी है, बस ये ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच का, है ना। अगर हम ये पॉजिटिव प्लेट मानते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट मानते हैं, तो ये निगेटिव प्लेट होगा। और इस दोनों प्लेट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो भी बराबर लिखेंगे क्यू बाई सी।
अब ध्यान से देखो ये Q क्या होता है, ये जो Q होता है पहले बता दिए, ये Q का मतलब है चार्ज ऑन कैपेसिटर, और इस Q का मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आगे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला जो हम विजुलाइजेशन बताए हैं ये आप आज तक नहीं देखे होंगे YouTube पे कि ये कैसे होता है, ये कैसे चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम कैपेसिटर में बढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे, अभी हम लोग एनर्जी भी देखेंगे लेकिन वो आप नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए बढ़िया से और इसका नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए बढ़िया से, और जो डाउट होता है उसके बारे में पढ़िए बुक से और उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ सब कुछ कवर किए हैं, अभी कैपेसिटर में और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। थैंक यू।